आते ही इसने अपना फोन गुम कर दिया। फ्रस्ट्रेशन पर नहीं रह गया कहीं? आपके आने से पहले बोला था कि मैंने पाजी के साथ फोटो करवानी है, कैसे करवाऊं? मैं क्या, तू चाहे बैठ के करवाए या खड़े होके करवा, लग रहा है तूने छोटा ही है। तो दोस्तों इस वक्त मेरा डिनर चल रहा है और आप सोच रहे होंगे पीछे तो दिन है और डिनर कैसे हो गया। एक्चुअली आज सुमित आ रहा है, उसको स्टेशन पे लेने जाना है और जब गेस्ट आते हैं तो घर भी अच्छा अच्छा पकवान बनता है। उसको देख के मेरा मन ना ललचाए खाने को, उससे पहले मेरा पेट भरा जा रहा है, वो भी दलिया और दाल के साथ। मुझे फील ऐसे करवाया जा रहा है जैसे मैं मंचूरियन चावल खा रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मेरी डाइट अभी तक कभी चीट नहीं हुई। जब कल रात को जो परांठे खाए वो, वीडियो बंद कर दे फिर बाद में बात करते हैं यार। वीडियो भी साथ साथ बोलते भी बंद हो गए ना आपकी। मुझे लगा भूल गया होगा तुझे। मुझे कैसे बनाने वाले को नहीं याद भूलता। A few moments later. साक्षी ये क्या कर रहे हो? मैं अनबॉक्सिंग। नहीं पर किस चीज की अनबॉक्सिंग है? ये बॉक्स था। अच्छा। इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। इसके अंदर एक और बॉक्स है जिसको मैंने खाली कर दिया, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है। जिस हिसाब से ये बातें कर रही है ना, मुझे लगता है इसकी दिमागी अनबॉक्सिंग हो गई है। खाली इधर से भी मतलब आया क्या है वो बता। ये ऑटोमेटिक हैंड रैप। हाँ। ओह अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। पता क्या, मॉल में जाओ होटल्स में जाओ तो हैंड ड्रायर लगे होते हैं, तो शौक आया मुझे भी कि हमारे घर में भी होना चाहिए, तो मैंने ये मंगवाया। नाइस। देखने में तो अच्छा यार है। हाँ। तो ये वाला मैंने मंगवाया है, यहाँ पे जो कॉमन वॉशरूम है ना, जो गेस्ट वॉशरूम है वहाँ के लिए, क्योंकि हमारा क्या, हम तो टॉवल भी यूज कर लेंगे। ये उनके लिए जो गेस्ट आए। वैसे हमने यहाँ पे सेंसर लगवाया हुआ है कि जब अंदर आए ना तो लाइट ऑन हो जाए अपने आप, लेकिन अभी फिलहाल ना मैंने स्विच बंद किया हुआ है। पता है क्यों? हम दिन में आते हैं यहाँ पे 20-25 बार और वो लाइट समझो ऑन ही रहती पूरा दिन, तो मैंने कहा हमने बिजली की बचत क्या करनी, हम तो और वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर स्विच बंद कर दिया, जब गेस्ट आए तभी ऑन करो। नहीं तो हो सकता सेंसर भी गुस्सा कर सकता है यार, आपने ऐसे ही करना तो फिर मुझे ना लगाओ यार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सेंसर हमने लगवाया था कि जब गेस्ट आते हैं उनको स्विच ढूंढना पड़ता है। हाँ। तो इसलिए ये गेस्ट वॉशरूम में लगवाया सेंसर। देखो यार हम गेस्ट का कितना ध्यान रखते हैं ना। यहाँ लगेगा तो मैं उसके पहले ये बता दूं यार, ये मेरे व्लॉग में फिल्म, चलो एक ये मंगवाया था मैंने। अच्छा। ये टिश्यू के लिए, ये भी आपने मॉल में देखा या होटल में देखा? हाँ ठीक है। ये देखो अब फिर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आप स्विच ऑन करो। पहले गीले करूँ आज? नहीं नहीं वो था ना, गीला करूंगा तभी साफ करूंगा। अरे थोड़ा सा गीला तो करने दे, बंद करना, करंट ही आ गया है। वो करंट तो नहीं आता ना? नहीं तो हाथ गीले हाथ सुखाने के लिए तो है ही। बंद कर दे यार। क्या हुआ साक्षी? हाँ? हम इसको अभी कैंसिल करते हैं, हमने नहीं लेना, क्योंकि साक्षी ये ना हाथ धोने के बाद काम आता है, अगर इसको यूज किया ना आप हाथों से हाथ धो बैठोगे, इतना गर्म है यार, ये नहीं लेना हमने। ज्यादा आ रही है। वैसे भी मुझे ना मनी ये ज्यादा अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा मतलब देखने में बहुत अच्छा है, हमारा वॉशरूम छोटा है शायद। यार वैसे एक बात है, अमेज़न हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, बड़ी अच्छी चीज है। हाँ। यही हमने कहीं बाहर जाके लिया होता सामान है ना, तो सोचना था यार सुबह वापस करेगा या नहीं करेगा, लेगा या नहीं लेगा, है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। दिखाओ उधर कपड़े सुखाने के डाले हुए। कहाँ उधर? नहीं, 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 नहीं। तो चलो दोस्तों अब ज्यादा बातें नहीं करते, हम मिलेंगे आपको सुबह। सुबह मिलना ना, दो चीज़ के कह लेते हैं ना। सुबह या थोड़ी देर में। सुबह नहीं थोड़ी देर में। The next day. Hello, good morning. क्योंकि सुबह का ही टाइम है, 5 बज चुके हैं सुबह के, और सुमित अभी आया है, हम इसको लेके आए हैं अभी। तो अभी घर पहुंचे थे तो सामान निकाल रहे आते हुए कि जो जो सामान लेके आया था हमारे यहाँ का, बाकी अपने वाला तो अभी बैग में ही रहने देगा। ये क्या अमृतसर से अखबारें लेके आया? ध्यान से टूट ना जाए। क्या है ये? मैंने स्पेशल मम्मा को बोला था कि मम्मा वो वाली चीज प्लीज भेज देना आप, ये ना मैं दिखाती हूँ अभी आपको। इसमें है अचार जो कि अभी मनी और सुमित खाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोमल ये व्लॉग देख रही होगी तो उसने बोलना यार एक डब्बा एंटीसेवन मंगवा लेते हैं। जब मम्मा यहाँ आएंगे ना तब बना के फिर भेज दूंगी। तो इसमें है ये देगी मिर्च, कलर वाली मिर्च होती है जो, और ये वाली ट्रे है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये क्रॉकरी की कोई चीज है। ये वाली मैंने मंगवाई है स्पेशल, ये देखो। ये ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वहाँ यूज नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ एक ऑलरेडी केटल है। तो मुझे लगता है ये मुंबई से खरीदे थे ना हमने? ये हमने यहाँ से खरीदे थे ना मुंबई, हम यहाँ से खरीद के वहाँ लेके गए थे क्योंकि हम तब वहाँ ज्यादा रहते थे। अब हम यहाँ ज्यादा रहते हैं तो
मैंने यहाँ मंगवा लिया दोबारा से. वेरी नाइस. तो बताओ फिर, ये चीज थी ना मंगवाने वाली, वहां रखने वाली नहीं थी ना? बिल्कुल. अभी हमारे घर में परसों गेस्ट आने वाले हैं, तो इसमें ही उनको चाय पिलाएंगे. ओ वो पीछे देख रहा, वो कह रहा होगा कि यार मैं आया हूँ पहले, मुझे पिलाना, मैं लेके आया हूँ. वो फैमिली है, ऐसे बात को पलटाना चाहिए ऐसे. इतनी देर हो गई, अब तो आ ही गया हूँ पलटाना. सुमित ये क्या है? पेठा. सुमित तुझे पता भी है यार मेरी डाइट चल रही है, ये चीजें मत लेके आया करो. मैंने इसको बोला था कि सुमित, कहता मैं ले आऊं पेठा, मैंने कहा नहीं. हां मैं खाता ही नहीं हूं. मम्मी ने कितना कुछ बोला. मैं खाता ही नहीं हूं. मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा पूछा, कितनी बार फोन किया, साक्षी मैं क्या भेजूं आपके लिए, क्या खाना आपने, क्योंकि पिछली बार जब मम्मी आए थे हम बहुत खुश हुए थे मिठाई देख के, लेकिन इस बार अभी हमें मिठाई की जरूरत नहीं है. बिल्कुल मम्मी, हम नहीं खाते मिठाई वगैरह, छोड़ दी हुई है. और फिर भी सुमित ले आया मिठाई. मैंने इसको बोला था, मैंने कहा अगर तूने खाना होगा तो ले आई, खाने की खुशी में मिठाई. हां प्लीज. A few moments later. आप सोच रहे होंगे सुमित मेरे पास खड़ा है, फोन क्यों कर रहा हूँ. आते ही इसने अपना फोन गुम कर दिया. स्टेशन पर नहीं रह गया कहीं? नहीं नहीं स्टेशन पे. यार याद करो तो जाओ. तूने गाड़ी में बैठ के मम्मी को फोन किया था? किया तो था. इसने आते ही मम्मी की याद दिलवाई हमें. ये अपनी बुआ पे गया यार, बुआ पे. आखिरी भतीजा किसका? यार सच्ची गाड़ी चलाएगा फोन. जा लेके आ फिर. हाँ कोई नहीं, बाद में सही. चलो दिखा. हाँ रोटी खा के चलते. गोभी, गाजर और हरी मिर्च. और मैंने एक बात नोट की, ये वाला डब्बा यहाँ ही होता था, ये डब्बा यहाँ से गया देसी घी भर के. अच्छा. और वहां से आ जाता फिर अचार भर के. हमारे डब्बे इधर उधर ऐसे ही घूमते रहते हैं. पर मैं सच्ची बोलूं साक्षी. हाँ. इतनी खुशी मुझे सुमित को देखे नहीं जितनी अचार को देखी हुई है. यार ये अचार ऐसे है जैसे फ्रिज से निकाला, देखना डब्बा. कुत्ती रो बने अमृतसर का. ये अमृतसर से आया है ना? लेकर आया अमृतसर की थोड़ी सी. पूरा ठंडा हुआ पड़ा. चलो फिर अभी खा के. अच्छा फुल्का खाना पाउंडी? नहीं फुल्का फुल्का. पक्का? हां जी हां जी. हैं मेहमान वो है, वीडियो उसकी बनानी थी. प्लीज अपना एंजॉय कर रहे हैं. मिर्च सचमुच में बहुत तीखी है. हैं? मजा आ गया. यहाँ नहीं ना मिलती थी. The next day. मनी एक नई चीज आई है, आपको दिखाऊं? ये नई चीज तो नहीं, ये तो पुरानी चीज है. पता अभी तो इसको 26 साल हो गए, पुराने हो गए. 26 साल 22 साल हो गए. हाँ. साल हो गए. आप बेचारे की उम्र बढ़ा रहे हो. सही बात है. क्या लिया? उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा. अपनी औकात से घर से. तो अच्छा नहीं है ये चीज. मुझे इसलिए भी अच्छी लगी, स्पेशल दूध के लिए जब दरवाजा खोलना पड़ता ना. ओए होए, अभी जैसे दूध का आपने लगाया ना, एक आटे का बैग भी लगा दे कि आटा उसमें रख के चला जाए. कम से कम भूखे तो ना मरे हम. वो तो फिर दान पात्र हो गया ना. कितना बड़ा बॉक्स रख दो. हां दान पेटी. दान पेटी अभी नहीं रखनी, नहीं तो लोगों को लगना है कि शायद ये इसका खर्चा उठाया गया है. दान पेटी लगा दी करते. हाँ जी कौन आया? नहीं बात करवा दो. कौन था वो? ना नीचे फोन आया था रिसेप्शन से कि कोई आए हैं मिलने के लिए. कौन है? तो नाम क्या था? कहते आरती मैम आए हैं तो भेज दे. मैंने कहा कौन आरती मैम? कहते आरती मैम आए हैं. तो मैंने कहा नहीं हमने तो नहीं बुलाया किसी को, तो मैं बात करा दो मेरी. तो कहते नहीं. तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि कहाँ जाना है आपको, फिर उन्होंने कोई किसी और का नाम लिया. ओ पागल, तू बुला लेती, ऊपर आके मना करते. ओह आरती जी हम तो चलो चाय पानी पीते बैठते, बाद में बोलते कि आप रॉन्ग नंबर में आ गए यार. व्लॉग बना लेते. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो फाइनली हम तैयार हो गए हैं. तैयार हो गए हैं, सुन्नी सुन्नी कपड़े पहन गए, नन्हे बच्चे बन गए हैं. वोट डालने जा रहे हैं. अच्छा तो सुमित को कहाँ लेके जा रहे हो? सुमित. हाँ जी जी. क्या हो रहा है बाहर? बाहर का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ. चेंज आया सुमित को बहुत ज्यादा है ना, सर्दी गर्मी वाला. तभी मैं बाहर बैठा हूँ, घर तो बैठे रहूंगा सजा. बाहर बैठा थोड़ी देर के लिए. कैसा
फ्रेश एयर ले रहा है लगा हुआ है लोगों के फोन आ रहे हैं। हाँ जी उनको जला भी रहा है। अच्छा वहाँ ठंड है। ओ ओ हो मैंने तो यहाँ पे हाफ बाजू टी शर्ट पहनी है। मैंने भी सिगर मोड़ का है। यहाँ तक कि ये बात इसने पापा को भी कर दी कि आपने देखा था कल जब मैं आया था तो क्या माहौल था और आज देख लो एकदम अलग। कल मैंने जब इसने फोटो शेयर की ना उसमें स्वेटर पहने हुए हैं। स्वेटर के नीचे स्वेटर और शर्ट पता नहीं क्या पहना हुआ है। कैप पहनी थी, जैली थी, ठंड बहुत ज्यादा ना। तो आज 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 मुझे तो अभी घूमने फिरने का प्लान है। आज रहने देते हैं, अभी गेस्ट आ रहे हैं हमारे घर पे और कल या परसों हम चलेंगे जियो मॉल। जियो मॉल? यस। वाओ हमने तो लोनावला भी जाना था। सुमित को सीधा फिर लोनावला ही चलते। लोनावला चलते। लोनावला का प्लान पक्का? कल सैटरडे परसों संडे है, मंडे दो दिन नहीं बनाते फिर है ना, क्योंकि इतना रश होगा फिर घूमने का मजा नहीं आता। वहां ना लाइन लगी होती है, हर बार हम देख के नहीं आते, कुछ बहुत ज्यादा रश होता है। बुरे हाल है। और वहां जाके तो ये फील लग रहा है कि मिस कर मंडे को बंद ना, वहां गए ना एलिफेंटा वही बंद था मंडे को। नहीं यहाँ पे ओपन ही है, जैसे हिमाचल वगैरह नहीं जाते हो वैसा वाला माहौल है। और तुझे पता वहां ठंड भी होगी। इनडायरेक्टली तुझे पता लगा, इसने हमें याद करवा दिया कि एलिफेंटा जो लेके गए थे ना वो मुकम्मल नहीं हुआ। पर ये गया नहीं अभी तक एलिफेंटा प्रॉपर, देखा नहीं बाहर से। जितनी बार गए हैं बाहर से ही आए हैं। थोड़ी देर के वो भी बनाएंगे प्लान। और कहाँ जाना सुमित? चल सीरियसली पूछ रहे हैं, मजाक अलग। वैसे तेरा क्या मन है कि कहाँ जाए? जाना पूछे किसने? गोवा बोल रहे हैं, उसने कहा गोवा चलते हैं। मैं गोवा, मुझे लगा एसएल वर्ल्ड बोलेगा अभी। अच्छा एसएल वर्ल्ड जाना? नहीं एसएल वर्ल्ड नहीं जाना, नहीं मैं जाऊंगा फिल्म सिटी। फिल्म सिटी? चल फिल्म सिटी तो जा सकते हैं, थोड़े दिन में पापा का शूट है तो हम प्लान कर लेंगे वहां जाने का। ठीक है तो तेरा ये सपना किया पूरा तथास्तु। पापा ने कहना काम मेरा, जाना मैंने, नाम इन्होंने मेरा यूज करना, एहसान अपना डाल रहे हैं उस पे। तो कोई बात नहीं पापा, इतना तो चलता है, हम बच्चे हैं आपके, इतना क्रेडिट तो ले ही सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा ना कि मम्मी पापा उधर है बेशक है ना, पर रोज वो हमें देखते हैं। हाँ, ना? बिल्कुल। हम भी पापा आपको देख रहे हैं, वो देखो कॉर्नर पे जो कैमरा लगा हुआ है ना, हम वहाँ बैठ के देखते रहते हैं। देखते हैं आप क्या कर रहे हो। अभी फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फाइनली जिनके लिए हमें नहाना धोना मतलब तैयार होना पड़ा इतना, उसकी वजह ये थे भाई आपकी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना पड़ता है। तो ये भाजी आए हैं और ये क्या खा रहा भाजी? बहुत बड़े है, कहाँ से लाए हुए? ये हमारी भाभी ने बनाया। अच्छा बहुत बड़े बनाया। और ये मेरे मामा जी का बेटा है, ये अमृतसर से आया है। और मिले हुए? मिले ना? हाँ मिले हुए। नहीं नहीं मिले थे, पर लोगों को नहीं पता ये मिला है, फोटो नहीं करवाई। और आपके आने से पहले बोला था कि मैंने भाजी के साथ फोटो करवानी है, तो कैसे करवाऊ? मैं क्या तू चाहे बैठ के करवा या खड़े होके करवा, लगना तूने छोटा ही है। तो अभी ये प्यारी सी आराध्या से मिली है और प्यारे से आरू से, ये मैं इसकी एक तारीफ है। जैसे लोग वादा तोड़ते हैं ना, ये सरप्राइज तोड़ते हैं। तू मशहूर हो गया, तुझे पता है कोई सरप्राइज नहीं रहने देता। भाभी घर पे कोई सरप्राइज प्लान करते हो ना, भाभी आप भी कभी प्लान करो भैया के लिए, इसको नहीं बता, इसके लिए भी सरप्राइज ही रखो। इन्होंने बोला इनसे भी कोई कंट्रोल नहीं था, तो बात सुनाओ जिसे कोई सरप्राइज भी कंट्रोल नहीं, चाहे हम किसी के लिए भी करें, मम्मी के लिए, भैया के लिए, या घर पे कुछ भी रहता है, किसी से कंट्रोल नहीं होता। देखो क्या है, थोड़ा सा दिल का सच्चा हूँ, जो सच्चे जल्दी बाहर निकल जाती है, कुछ पेट में रहता नहीं। आपका मतलब है हम झूठे? चलो दोस्तों अभी हम अपनी बातें कर ले, एंजॉय कर ले। बाकी की जो वीडियो है वो पाजी के चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, चैनल यहाँ पे आ ही रहा है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक।